निदेशक एनआईटी रायपुर, शासी निकाय एवं सीनेट के सदस्यगण, अध्यापकगण, पालकगण, सभी विशिष्टजन एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज का यह दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इस मंच पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी आज एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। कल वे आईआईटी भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। हम सब माननीय राष्ट्रपति जी के आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दो दिनों का बहुमूल्य समय इस प्रदेश को दिया है। आज के इस अवसर पर जो छात्र छात्राएं ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। आज का यह दिन आपके लिए केवल डिग्री हासिल करने का दिन नहीं है, बल्कि आज से आप देश और समाज के लिए अपने ज्ञान और कौशल के साथ अपना योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। एनआईटी रायपुर जैसे उत्कृष्ट संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि यह समस्या के समाधान का विज्ञान भी है। आज आप समाज की नई चुनौतियों को हल करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी गांव और जंगलों में निवास करती है। यह आबादी आज भी कई तरह के अभावों का सामना कर रही है। सुविधा और संपन्नता की दृष्टि से पीछे रह गए इन लोगों के जीवन में आपका ज्ञान और कौशल बदलाव ला सकता है। यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में भी आपका ज्ञान और कौशल राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी के अनुरूप हम सभी लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। यह संकल्प आप लोगों के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग भी इसमें बड़े बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देश और प्रदेश को आप जैसी युवा प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें हैं। आज प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। यह नीति छात्र छात्राओं में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से कुशल और उद्यमिता से भरपूर पीढ़ी होगी। प्रदेश के 160 आईटीआई का भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, हवाई और संचार नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पास युवाओं की बहुत तकनीकी रूप से लागू